Hello everyone. Today I am going to discuss with you one important topic from the partnership, that is partnership third, reconstitution of partnership. And under this topic, I am going to discuss with you the revaluation account adjustment as well as reserves and other undistributed profits adjustment. तो जैसे कि पार्ट नंबर वन के अंदर मैंने ऑलरेडी इसके फर्स्ट टू एडजस्टमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है. फॉर दिस यू कैन चेक द पार्ट नंबर वन. एंड अंडर दिस पार्ट पार्ट नंबर टू आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द रिवैल्यूएशन एज वेल एज द रिजर्व्स एडजस्टमेंट अकाउंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी. तो इस टॉपिक को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी. तो जैसे कि रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि किसी चीज की वैल्यू को दोबारा असेस करना, फाइंड आउट करना. दिस वन इज अ बेसिकली रिवैल्यूएशन. तो अंडर द पार्टनरशिप क्या होता है कि जैसे कोई नया पार्टनर एंटर हुआ या फिर किसी पार्टनर की डेथ हुई या फिर कोई पार्टनर रिटायर हुआ तो उससे सारा एग्रीमेंट दोबारा करना हो. सो इट मीन जिसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोल देते हैं. तो अगर नया एग्रीमेंट होगा तो नेचुरली सी बात है सारी एडजस्टमेंट पहले की जाएंगी, फिर ही वो एग्रीमेंट होगा. उसी में से एक एडजस्टमेंट क्या है कि जैसे इस तरह का कोई भी केस हो रहा है या नया पार्टनर एंटर हो रहा है या पुराने छोड़ के जा रहे हैं तो उसमें एसेट्स और लाइबिलिटी विच इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उन सभी एसेट्स और लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन की जाएगी. उनकी वैल्यू को दोबारा असेस किया जाएगा क्योंकि हो सकता है द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी नाउ बी चेंज नॉट सेम एज इज शोन इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. हो सकता है बुक्स के अंदर वैल्यू ज्यादा हो, एसेट्स की अब कम हो गई हो, या उल्टा भी हो सकता है, पहले वैल्यू कम हो अब बढ़ गई हो. तो इस तरह से जो एसेट्स की करंट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, उसको असेस करने के लिए एक अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है. द नेम इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये क्यों बनाया जा रहा है अकाउंट, क्योंकि हमने ये देखना है कि अब एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू कम होने या बढ़ने से हमको पार्टनरशिप को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. तो उस प्रॉफिट और लॉस को निकालना जरूरी है क्योंकि वो पुराने पार्टनर को क्रेडिट या डेबिट करना होगा उनके कैपिटल में, इसलिए ये अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है. तो अब हम इस अकाउंट के रूल समझने शुरू करेंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो इस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल देते हैं हम, क्योंकि इस अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट और लॉस जो कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी के टाइम पर हो रहा है उसकी एडजस्टमेंट की जाती है. सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस अकाउंट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड दिस वन आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. एंड इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का मतलब रूल सभी को मालूम होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स. तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितने भी प्रॉफिट होंगे आपको, सॉरी लॉस और एक्सपेंस होंगे, वो सारे डेबिट होंगे. जितनी भी इनकम और गेन्स होंगी वो सारी क्या होंगी, क्रेडिट होंगी. तो सेम रूल एप्लीकेबल हेयर, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट की भी आपको जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दो साइड बन रही थी, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट, सेम एज हेयर यहाँ पर डेबिट साइड होगी, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट साइड. तो जो डेबिट साइड है इसके अंदर जितने भी हमको एसेट्स और लाइबिलिटी से लॉस हो रहे हैं, उनकी रिवैल्यूएशन के टाइम के ऊपर नुकसान हो रहे हैं, ऑल दीज लॉसेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड. एंड जितने भी बेनिफिट हो रहे होंगे, इनकम हो रहे होंगे विद द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, वो सारे यहाँ पर हमने शो करने होंगे. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. तो जैसे हम अभी देख रहे थे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल क्या बोल रहा है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स. अगर आपको फायदा हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पर शो किया जाएगा. तो उसी तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब हमारी संपत्ति की वैल्यू पहले से बढ़ रही है तो फायदा हो रहा है, तो इसलिए वो शो किया जाएगा क्रेडिट साइड पर. एंड इफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो नेचुरली सी बात है कि हमको फायदा हो रहा है, क्योंकि हमने लाइबिलिटी का मतलब हमने किसी को पैसे देने हैं, अब हमारी देनदारी कम हो रही है तो अंडरस्टूड सी बात है हमको बेनिफिट हो रहा है. सो बेनिफिट हो रहा है तो शो कहां पर किया जाएगा, ऑन द क्रेडिट साइड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो उससे क्रेडिट होगी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी. नाउ इट इज डेबिटेड विद द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी. तो
जो डेबिट साइड है हमारी, हमने ऑलरेडी देखा है कि नॉमिनल अकाउंट में बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, यहाँ पर सारे लॉस और एक्सपेंस शो होंगे। तो जब हमारी संपत्ति एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इट मीन्स हमारे लिए नुकसान है, सो डेबिट साइड पर शो किया जाएगा। अगर लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, देनदारी बढ़ रही है, दिस वन इज ऑल्सो अ लॉस फॉर द फर्म, सो दैट्स वाई शोन ऑन द डेबिट साइड इन द रिवेल्युएशन अकाउंट। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है रिवेल्युएशन अकाउंट के। अ रिवेल्युएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू एसर्टेन द नेट गेन और द नेट लॉस। तो क्यों बनाया जा रहा है, नेट गेन और नेट लॉस ऑन द रिवेल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, कि एसेट्स और लाइबिलिटी की रिवेल्युएशन से हमको प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जा रहा है। दिस वन इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, और टू एसर्टेन द गेन एंड द प्रॉफिट अगेन एंड द लॉस ऑफ द रिवेल्युएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, एंड और दूसरा रीजन क्या है, एंड ब्रिंग द अनरिकॉर्डेड आइटम इन टू द बुक्स। और ये भी हो सकता है कुछ आइटम्स जैसे कि एसेट्स और लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं बुक्स में, तो उनके लिए भी ये हो सकता है। सो इट मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द रिवेल्युएशन अकाउंट टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर द रिवेल्युएशन और ऑन द रिवेल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, एज वेल एज टू रिकॉर्ड द अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ फर्म, एंड द रिवेल्युएशन प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, और वेदर इट्स अ रिटायरिंग, वेदर इट्स अ डिसीज्ड। तो इसके अलावा जितना भी प्रॉफिट और लॉस इस अकाउंट में से निकलेगा वो कहाँ पर ट्रांसफर होगा, इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वेदर डेट डिसीज्ड पार्टनर, वेदर रिटायरिंग पार्टनर, कोई भी हो सकता है, उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट होगा। अगर प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो डेबिट होगा, इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस रेशियो में होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ये जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटी की हम रिवेल्युएशन कर रहे थे, ये एसेट्स और लाइबिलिटी पुराने पार्टनर ने बनाई है, नया पार्टनर अभी एंटर हुआ है, ये हम यूं बोले कि रिकॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट अब लिखा जा रहा है, इससे पहले जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, उसमें जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द ओल्ड पार्टनर, सो दैट्स वाई गिवन टू ओल्ड पार्टनर ओनली इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ इस डायग्राम से आपको जल्दी क्लियर होगा, इस पिक्चर से आपको जल्दी क्लियर हो रहा है कि इसका मीनिंग क्या है, सारा किस तरह से बनेगा रिवेल्यूशन अकाउंट। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है जी, एसेट है हमारी, ये संपत्ति है हमारी, इसकी वैल्यू कम हो रही है, हमारे पास एक एसेट थी जिसकी वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब फर्म को क्या हुआ जी, नुकसान हुआ, क्योंकि एसेट की वैल्यू घटना हमारी फर्म का नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान का केस है। तो हमने देखा था ये नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता था, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो इसका मतलब जितने से वैल्यू कम होगी, जितनी वैल्यू कम होगी हमारी एसेट की, वो सारे का सारा रिवेल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखा दिया जाएगा एज अ लॉस। तो दोबारा ध्यान से सुनिए, जितनी वैल्यू एसेट की कम होगी वो हमारे लिए नुकसान है, सो सारी की सारी अमाउंट जिससे वैल्यू कम हुई है वो शो की जाएगी रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर एज अ लॉस। देन नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, एसेट्स इंक्रीज, देखिए यहां पर एसेट्स की वैल्यू ऊपर जा रही है, इंक्रीज हो रही है हमको, हमारी पार्टनरशिप फर्म को क्या हो रहा है जी, फायदा हो रहा है, तो फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है फर्म को, तो इट मींस क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, तो किस साइड पर शो किया जाएगा जी, क्रेडिट साइड पर शो किया जाएगा, जितने से वैल्यू बढ़ेगी एसेट की वो सारी की सारी अमाउंट शो की जाएगी ऑन द क्रेडिट साइड इन द रिवेल्युएशन अकाउंट। तो अब नेक्स्ट देखिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है, हमारी फर्म की देनदारी, हमने देने हैं किसी के, तो जो हमने देने थे आउटसाइडर के वो बढ़ रहे हैं, पहले से उनकी वैल्यू बढ़ गई आफ्टर रिवेल्युएशन, तो इट मींस पार्टनरशिप फर्म को क्या हुआ जी, नुकसान हुआ, तो नुकसान होगा तो किस साइड पे शो किया जाएगा, रिवेल्युएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर। तो ये देखिए लास्ट वन, लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, हमने जो पैसे देने थे उसकी वैल्यू कम हो गई आफ्टर रिवेल्युएशन, सो इट मींस हम हमारी पार्टनरशिप फर्म को क्या हो रहा है जी, बेनिफिट हो रहा है, इफ देयर इज बेनिफिट देन ऑल द बेनिफिट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड इन द रिवेल्युएशन अकाउंट, तो कहां पर शो किया जाएगा वो, क्रेडिट साइड पर। तो इस तरह से एसेट्स का बढ़ना या एसेट का कम होना, लाइबिलिटी का बढ़ना या लाइबिलिटी का कम होना एडजस्ट किया जाएगा। तो हम एक रिवेल्युएशन अकाउंट देख लेते हैं, जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टू साइड थी, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेस साइड है, यहाँ पर एक्सपेंस और लॉस आएगा जी आपका, एक्सपेंस और लॉस, दिस वन इज इनकम एंड गेन साइड, यहाँ पर जितने भी आपको फायदे हो रहे हैं, इनकम हो रही है या फिर
पार्टनरशिप फर्म को जितने भी गेन हो रहे हैं वो सारे शो किए जाएंगे क्रेडिट साइड पर। तो देखिए, टू कंसर्न्ड एसेट नेट डिक्रीज, एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो हमारा नुकसान हुआ तो शो किया हमने डेबिट साइड पर। टू कंसर्न्ड लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी कम हुई, लाइबिलिटी कम होने से सॉरी लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई, नेट इंक्रीज है, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से हमको क्या हुआ नुकसान तो डेबिट साइड पर। नेट इंक्रीज इन द एसेट, एसेट बढ़ गई हमको फायदा हो गया तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स क्रेडिट हो जाएगा। कंसर्न लाइबिलिटी नेट डिक्रीज, लाइबिलिटी कम हो गई हमको फायदा हो गया गेन हो गया तो गेन से किस साइड पे शो होगा जी आपका क्रेडिट साइड पर। तो अगर अब क्रेडिट साइड ज्यादा निकलेगी, क्रेडिट साइड का टोटल सॉरी ज्यादा आएगा तो वो शो किया जाएगा इस डेबिट साइड पर एज अ प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट टोटल ज्यादा आएगा तो वो शो किया जाएगा ऑन क्रेडिट साइड एज अ लॉस। तो देखिए लॉस जो है वो डेबिट पर लिखा जाएगा, जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट पर लिखा जाएगा। प्रॉफिट कब होगा जब क्रेडिट साइड ज्यादा है, लॉस कब होगा जब डेबिट साइड ज्यादा है, तो वो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो आओ हम एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। राजेश एंड रमेश आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 3:2 क्या है जी, ओल्ड रेशियो है, पुरानी रेशियो है पार्टनर के बीच में, ओल्ड रेशियो। रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड एज 5:3:2, दिस वन इज अ न्यू रेशियो एंड द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर मेड। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट्स है, हम देख लेते हैं किस तरह से। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय 15,000। देखिए बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई 15,000 से। अब बिल्डिंग क्या है सभी को मालूम है, बिल्डिंग हमारी एक फिक्स्ड एसेट है जिसको हम फिक्स्ड एसेट बोल देते हैं। तो एसेट की वैल्यू कहां पर जा रही है, बढ़ रही है, ठीक है जी। आगे चलेंगे हम, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डिक्रीज 4,000। मशीनरी इज ऑल्सो एसेट, तो मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है 4,000 रुपए से। एंड लास्ट वन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेड फॉर 1,000। तो लास्ट वाला मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ एक बार। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या मतलब है, डेट डेट हमने डेटर से वर्ड लिया, डेट मतलब जिनको हमने गुड्स बेची हैं ऑन द क्रेडिट बेसिस, उधार के ऊपर हमने गुड्स बेची हैं, इनसे हमने पैसा लेना है। तो नेचुरली सी बात है जिनसे आपने पैसा लेना है उनका अगर पैसा डूबने का कोई चांस हो या फिर हमको डाउट हो रहा है कि अब ये मेरा पैसा नहीं मिलेगा तो मैं उसकी एक प्रोविजन बना लेता हूँ जिसको हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल देते हैं। तो वो प्रोविजन बनाई हुई है यहाँ पर 1,000। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ये एक तरह का हमको डर है कि हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये हमारी क्या होगी लाइबिलिटी होगी, हमारा एक नुकसान होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये बढ़ रही है या कम हो रही है, तो ध्यान में रखना होगा हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, हमने पीछे थ्योरी में भी देखा है, उसके अंदर दो तरह की आइटम्स हम ले रहे हैं। एक वो ले रहे हैं कि जो बढ़ रही है और कम हो रही है वैल्यू ऑफ एसेट, और दूसरा हम ले रहे हैं अनरिकॉर्डेड आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो ये वो लाइबिलिटी की आइटम है जो रिकॉर्ड नहीं की गई थी, अब हमने रिकॉर्ड करना है इसको। तो लाइबिलिटी है इसका मतलब नुकसान है। तो अब हम आओ इसकी रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। फर्स्ट आ गया जी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन तो क्रेडिट साइड पे शो की जाएगी। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है तो इसलिए 4,000 शोन ऑन द डेबिट साइड। अब देखिए डाउटफुल डेट शो हो रहा है डेबिट साइड, क्यों डेबिट साइड पर शो हो रहा है, क्योंकि ये हमारी एक तरह की लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि ये लाइबिलिटी पहले रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो ये एक तरह का हमारा नुकसान था जो रिकॉर्ड करना भूल गए। तो क्रेडिट ऑल द और डेबिट ऑल द अपना लॉसेस एंड लॉस को सभी को क्या करना था डेबिट, तो इसलिए इसने क्या किया इसको डेबिट, क्योंकि ये हमारा लॉस है एक तरह का, क्योंकि ये लाइबिलिटी भूल गए, तो इसलिए यहाँ पर आएगा डेबिट साइड। अब आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा निकलेगा आपका एज कम्पेयर टू डेबिट साइड, तो दोनों साइड पे 15,000। अब आपने 15 में से 4 और 5 को माइनस करेंगे तो लेफ्ट यू हैव प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट दैट इज 10,000। 10,000 का मुनाफा हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट में से। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स को बांट देना है टू द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। तो अब ये रही ओल्ड रेशियो आपके सामने 3:2, इस रेशियो में आप डिवाइड कर देंगे, एक राजेश की रेशियो बनेगी 3:5 एंड रमेश की बनेगी 2:5, डिवाइड करेंगे तो 6,000 और 4,000 आपके पास आ जाएगा। ये अमाउंट सेम अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, राजेश और रमेश के अकाउंट में जमा हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि ये प्रॉफिट था। तो नेक्स्ट वी हैव एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस इन द पार्टनरशिप। तो यहाँ पर पहले मैं आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस का मतलब समझा देता हूँ। देखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि अभी पार्टनर्स को डिवाइड नहीं किया गया, उसको फर्म ने अपने पास सेव कर रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि फ्यूचर में
कहीं डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले या फ्यूचर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो इस पैसे में से, इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से या रिजर्व किए हुए पैसे में से पैसे को निकाल के वो अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज करें। तो बेसिकली ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, रिजर्व्स हो गए, ये सारे इसीलिए रखती है पार्टनरशिप फर्म कि अगर कोई इमरजेंसी आए तो यहां से पैसा निकालकर उसको यूज किया जाए। सो इट मीन्स ये पार्टनर के प्रॉफिट में से लिया गया कुछ हिस्सा है जिनको बाद में जब भी इसकी प्रॉपर सारा कुछ किया जाएगा, मतलब जब भी पार्टनरशिप फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, तो तब सबसे पहले आपको ये जितने भी रिजर्व होंगे जो पुराने पार्टनर्स ने रखे हैं बना के, उनको उनके कैपिटल अकाउंट में प्लस करना होगा। मतलब उनको ये सारे रिजर्व हमने ट्रांसफर करने होंगे, फिर बाद में जाकर आप नए पार्टनर को एडमिट करेंगे या उसकी जो नया एग्रीमेंट है वो तैयार करेंगे, क्योंकि ये जितने भी रिजर्व थे ये पुराने पार्टनर की कमाई से बने थे। अब हम देख लेते हैं, टू एक्सपेंड द बिजनेस इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में बिजनेस को बढ़ाना है, द पार्टनरशिप फर्म रिजर्व सम प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट को सेव करती है एज अ जनरल रिजर्व और मे बी एज अ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो दीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर अपेयर इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो इसलिए जितने भी ये रिजर्व होते हैं इनको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है ऑन द लाइबिलिटी साइड, बिकॉज ऑल दीज रिजर्व यूज बाय द पार्टनरशिप फर्म इन फ्यूचर फॉर एक्सपेंड द बिजनेस एक्टिविटीज। और दीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर, सिर्फ पुराने पार्टनर्स के साथ इनका लिंक है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से इनको सेव किया है। जो नया पार्टनर आ रहा है वो आज एंटर हो रहा है, अभी तक उसने इसके अंदर किसी भी तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया, तो इसलिए नए पार्टनर का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो दीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसीलिए ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व है, अगर ट्रांसफर होंगे एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो पुरानी रेशो में ही ट्रांसफर किए जाएंगे, पुराने पार्टनर्स को ही ट्रांसफर किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि नए पार्टनर्स का इनके ऊपर कोई राइट नहीं है, पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट में से ये बनी है। सो दैट्स व्हाई इन सम मैनर इट इज पॉसिबल दैट अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, तो अब ये भी हो सकता है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की जगह पर लॉस हो जाए। तो नेचुरली सी बात है, अगर प्रॉफिट हो रहा था तो हम उसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर दिखा रहे थे, तो अब अगर अब लॉस हो जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो किया जाएगा। तो इसलिए जब उसको एसेट साइड पर शो किया जाएगा, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से डेबिट कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे, सिर्फ किस किस पार्टनर के, ओल्ड पार्टनर्स के, क्योंकि अगर प्रॉफिट ओल्ड को मिलना है तो लॉस भी ओल्ड को ही बेयर करना होगा। सो दैट्स व्हाई डेबिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उसके लिए शेयरिंग रेशो भी पुराने वाली ही लेनी होगी। तो ये जो रिजर्व है किसी तरह के भी हो सकते हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व, सिंपल रिजर्व, एज वेल एज अकेमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, किसी भी तरह के रिजर्व हो सकते हैं। नाउ इसकी जनरल एंट्री है, देख लेते हैं हम। देखिए अब ये रिजर्व्स के नाम है, जैसे फर्स्ट रिजर्व है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रिजर्व अकाउंट, उसके अंदर कोई रिजर्व रखा है। जनरल रिजर्व है कोई, रिजर्व फंड है कोई, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। तो देखिए जितने भी ये फंड थे, जितने भी फंड फर्म ने अपने पास प्रॉफिट में से सेव कर बनाए हुए थे, वो सारे फंड्स को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट, क्योंकि वो लाइबिलिटी साइड पर शो थे पहले। क्रेडिट लाइबिलिटी साइड का मतलब है क्रेडिट साइड पर शो थे, क्रेडिट साइड होता है लाइबिलिटी का मतलब। अब ये सारे रिजर्व हम देने जा रहे हैं, ट्रांसफर करने जा रहे हैं टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो दैट्स वाई जितने भी रिजर्व थे इनके अकाउंट अब खत्म करने हैं, तो जो चीज क्रेडिट होने से बन रही थी अब डेबिट कर उसको हम खत्म कर देंगे। तो इसलिए ये सारे अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट, जितना भी इनके अंदर बैलेंस होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का रिजर्व था, मान लीजिए 5,000 का, यहाँ पर 5,000 आ जाएगा, इसका 10 का था यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इसी तरह से ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। अब मान लीजिए ओल्ड पार्टनर थे 3, ए बी एंड सी, वो तीनों पार्टनर्स ए बी और सी तीनों के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि उनके अकाउंट में प्लस हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे इन द ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड रेशियो का क्या मतलब है, जो उनकी पुरानी रेशो थी उसी रेशो में वो टोटल निकाल के रिजर्व्स का उन्हीं रेशो में तीन पार्टनर्स को डिवाइड कर दिए जाएंगे। सो इस तरह से एडजस्टमेंट होगी ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड अदर रिजर्व्स अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये था हमारे पास सारा टॉपिक। तो देखिए इसमें मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि
जब भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर चाहे कोई पार्टनर को आप एंटर करवा रहे हैं, चाहे कोई पार्टनर आपका छोड़ के जा रहा है पार्टनरशिप को, या फिर किसी भी तरह से पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो चेंज हो रहा है, एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पर ये सारी एडजस्टमेंट आपको करनी ही होगी, क्योंकि रिजर्व्स भी पुराने पार्टनर्स को बिलोंग कर रहे थे, एज वेल एज जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया वो इसलिए जरूरी था क्योंकि देखना था कि एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ने या कम होने से किस पार्टनर को फायदा हुआ, पुराने पार्टनर को कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, तो इसलिए ये सारा कुछ जरूरी था। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, और मैं कोशिश करूंगा कि पार्टनरशिप के सारे टॉपिक अगले वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। थैंक यू।